अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? देसी होम रेसिपी से मैं आज आपको दिखाऊंगी भुना हुआ नमकीन गोश्त बनाने का तरीका। उसके लिए मैंने 2 किलो छोटा गोश्त लिया है, 2 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च, लहसुन 1.5 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टीस्पून, प्याज 2 दरमियाने मैंने काटे, सूखी मेथी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है, पानी 1200 मिलीलीटर, फ्रेश धनिया, कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून। अब मैंने प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डाल देनी है। सारे मसाले भी, और आप अपने मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मिर्चें अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, धनिया और सूखी मेथी मैं बाद में डालूंगी। मैंने गैस ऑन कर दिया, पानी को उबाल आ गया, मैंने इसको कवर कर देना है ऊपर से। कोटी मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाना है, जब तक ये सही गल जाए। अब मैंने इसको चेक करना है, पहले गैस ऑफ कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना है। गोश्त गल गया है, अब जो इसके अंदर पानी बचा है वो मैंने सुखाना है, गैस दोबारा ऑन कर देना है। अब पानी इसके बीच में थोड़ा रहता है, मैं इसको दूसरे पान में डाल के भूनूंगी। मैंने इसके अंदर सूखी मेथी और हरा धनिया डाल दिया है। दो मिनट के लिए मिक्स करने। गोश्त तैयार है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें प्लीज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।